मैं ममता शर्मा, लेक्चरर CDDM। आज मैं आपको फैशन एसेसरी सब्जेक्ट के अंदर मोती से ज्वेलरी बनाना सिखाऊंगी तथा नीडल वीविंग के मैंने यहाँ पे 3 पैटर्न बनाए हैं। जो फर्स्ट पैटर्न है, इसमें मैंने 3 बीट को वीव करके ये पैटर्न बनाया है। इस सेकंड पैटर्न में मैंने 4 बीट्स लेकर के ये पैटर्न बनाया है और इसमें मैंने 6 बीट्स लेकर के ये पैटर्न बनाया है। इस पैटर्न के अंदर हम अगर बीच वाले गैप में किसी दूसरे कलर का मोती लगा देते हैं तो इसका इफ़ेक्ट ऐसा आता है, फूल जैसा। ये देखिए, और अगर इसमें हम सेम कलर का मोती लगाएंगे तो इसका इफ़ेक्ट कुछ ऐसा आएगा। देखिए, इनसे हम कुछ भी ब्रेसलेट बना सकते हैं, चोकर बना सकते हैं, नेकलेस बना सकते हैं अथवा इयररिंग्स, कुछ भी बना सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले ये 3 मोती वाला जो पैटर्न है इसको बनाना सिखा रही हूँ। मैंने धागा इसी में कंटिन्यू रख रखा है ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ सके कि बनने के बाद इसका इफ़ेक्ट कैसा आएगा। ये 3 मोती वाला पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले हम एक साथ 3 मोती पिरोएंगे। ये पैटर्न बनाने के लिए हम एक प्लेन धागा लेंगे। वैसे तो हम इसके लिए पैराशूट वायर लेते हैं, लेकिन अभी मेरे पास पैराशूट वायर उपलब्ध नहीं है, तो सिंपल धागे के अंदर बीडिंग वाली जो नीडल है उसके अंदर मैं 3 मोती पिरोऊंगी। इस प्रकार से 3 मोती एक साथ लिए जाते हैं। इन 3 मोतियों को ऐसे लेकर के ये पैटर्न स्टार्ट होता है। हम जो पहला वाला मोती था उसमें से धागे को निकालेंगे तो ये हमारा पैटर्न ऐसे स्टार्ट होगा। अब इसके बाद जब मुझे इसमें दूसरा पैटर्न बनाना है तो जो मेरा पहला 3 मोती का जो एक कॉर्नर वाला मोती है ये मेरे आगे वाले मोती के लिए काम करेगा, तो मुझे आगे सिर्फ 2 ही मोती पिरोने हैं। तो इस पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए मुझे सिर्फ इसमें अब 2 ही मोती पिरोने हैं। अब देखिए, जो कोने वाला मोती है इसमें से निकालूंगी फर्स्ट और सेकंड वाले मोती में से। देखिए, और वापस इस कॉर्नर वाले मोती के पास आ जाएंगे। अब ये जो कॉर्नर वाला मोती है ये मेरा फर्स्ट मोती हो गया। अब मुझे आगे सिर्फ 2 मोती और पिरोने हैं। ये देखिए, मैंने 2 मोती और लिए हैं। ये देखिए, अब ये जो थर्ड नंबर वाला मोती था इसमें से और इसके आगे वाले मोती में से लेकर के, ये देखिए मैंने इसको पिरो के इस पैटर्न को आगे बढ़ाया। अब वापस मैं इस वाले मोती जो कॉर्नर की तरफ है इस मोती के पास आऊँगी और अगले 2 मोती पिरोऊंगी। इस तरह से मेरा ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। ये देखिए, ये मेरा 3 मोती वाला पैटर्न बना जा रहा है। इसे मैं आपको ड्रॉ करके भी बता सकती हूँ। सबसे पहले मैंने 1, 2 और ये 3 मोती पिरोए हैं। ये जो तीसरा मोती है ये मेरा फर्स्ट मोती का काम करेगा। अब इसके यहाँ पे मुझे 1 और ये 2 मोती और पिरोने हैं, तो ये मैं ऐसे चलूँगी और फिर ये ऐसे चलूँगी। अब ये वाला मोती मेरा फर्स्ट मोती हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे 1 और 1, 2 मोती और पिरोने हैं। इस तरह से ये मेरी चेन कंटिन्यू चलती जाएगी। देखिए, इसमें मैं यहाँ पर भी मोती पिरो सकती हूँ, इसके आगे भी। ये मेरा फर्स्ट मोती हो जाएगा, इसके यहाँ पे अगर मैं मोती पिरोऊंगी तो ये मेरा पैटर्न और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब मैं आपको इसी का दूसरा सैंपल दिखा रही हूँ। ये जो दूसरा सैंपल है इसमें मैंने शुरुआत में 4 मोती पिरोए हैं। 4 मोती पिरोने के बाद जो मेरा पहला मोती था यहाँ पर मैं धागे को लेकर के आई हूँ।
इसके बाद ये जो चौथा वाला मोती है ये मेरा फर्स्ट मोती आ जाएगा, और इसके आगे मेरे को सिर्फ तीन तीन मोती ही पिरोने होंगे। जैसे ये वाला मोती मेरा फर्स्ट मोती था, जैसे ये मैंने चार मोती पिरोए, तो ये जो मेरा मोती है कॉर्नर वाला, इस मोती के आगे मुझे तीन मोती और पिरोने हैं। ये देखिए मैंने तीन मोती लिए हैं और ये मेरा चौथा वाला मोती है। अब मैं इन तीन मोतियों में से धागे को निकालूंगी। ये देखिए अब ये वाला जो मेरा मोती है, जो सेंटर वाला मोती है, ये मेरा सेंटर मोती हो जाएगा फोर्थ नंबर का, और इसके साथ मुझे तीन और मोतियों की आवश्यकता होगी इस पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए। ये देखिए मैंने सिर्फ तीन मोती लिए हैं यहाँ पे, और इस चौथे मोती में से मैं इन तीन मोतियों को निकाल लूंगी। ये देखिए इस तरह से मैं इस पैटर्न को आगे और बढ़ा सकती हूँ। इसी पैटर्न में मैं यहाँ पर भी आपको नीचे बना के बताती हूँ कि इसको आगे हम और कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे अब मैं अगर इसको इस कोने में बढ़ाना चाहूँ तो ये मेरा फर्स्ट मोती हो जाएगा, इसके नीचे मैं तीन मोती और ले लूँगी, तो इस पैटर्न को मैं चौड़ाई में भी लंबाई के साथ साथ बढ़ा सकती हूँ। ये देखिए ये देखिए ये पैटर्न मेरा चौड़ाई में बढ़ रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे ये दो मोती तो हैं, अब मुझे सिर्फ दो मोती और पिरोने हैं। ये देखिए ये पैटर्न मेरे दो मोती तो हैं, अब मुझे सिर्फ दो मोती और चाहिए, इससे मेरा पैटर्न आगे और बढ़ जाएगा। देखिए इसमें से और इस मोती में से निकालूंगी तो ये मेरा पैटर्न आ गया बढ़ जाएगा। और ये देखिए ये मेरी लाइन डबल हो गई है। ये पैटर्न बनाने के लिए मैंने छह मोती एक साथ पिरोए हैं। उसके बाद जो छठे नंबर का मोती है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जो फोर्थ नंबर का मोती है यानी एक मोती यहाँ, दो मोती ऊपर, दो मोती इधर, और ये मोती हमारा बीच का मोती कहलाएगा। अब इसके बाद हमें सिर्फ पांच पांच मोती पिरोने हैं, तो हमारा ये डिज़ाइन इस तरह से बन जाता है। देखिए मैं आपके सामने बना रही हूँ, ये हमारे छह मोती हैं पहले वाले, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स में से ये वन टू थ्री, और ये फोर्थ नंबर का जो मोती है ये हमारा सेंटर मोती है। इस सेंटर मोती के यहाँ से हम आगे पाँच मोती और पिरोएंगे। ये देखिए मैंने सुई में पांच मोती पिरोए हैं। अब इन पांच मोतियों में से हम तीन मोती हैं उनमें से इस धागे को वापस निकालेंगे। ये देखिए ये मेरा पांचवें नंबर का फोर्थ नंबर का मोती था जिसमें मैंने ये आगे के पांच मोती पिरोए हैं। अब मैं ये चौथे नंबर के मोती पे, ये फोर्थ नंबर के मोती पे आ गई हूँ। इस तरह से मेरा डिज़ाइन आगे बढ़ गया है। मैं एक बार और आपको करके दिखा देती हूँ। वापस हम पांच मोती लेंगे, ये देखिए पांच मोती मैंने पिरोए हैं। और इस मोती में से होते हुए मैं अगले तीन मोती तक जाऊंगी, इस प्रकार से, और इनको ऐसे
खींच लूँगी ताकि मैं अपनी वापस उसी पोजीशन पे आ सकूँ। और ये मेरा फोर्थ नंबर का मोती है, ये देखिए। इस पैटर्न को हम इस तरह से पूरा बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए। और इसके जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पर हम कलर्ड मोती, ये देखिए, इसके बीच में लगा सकते हैं, जिससे फूल का पैटर्न बन जाएगा। देखिए, हम चाहें तो इसमें सेम कलर वाली मोती भी लगा सकते हैं, तो ये पांच वाले फूल बन जाएंगे। इससे हम ब्रेसलेट, हेयर बैंड, बेल्ट और चोकर कुछ भी बना सकते हैं। देखिए, बनने के बाद ये पैटर्न बहुत ही सुंदर है। अगर हम इसमें दूसरे रंग का मोती ना लगाएं तो हम इस पूरे को सेम कलर से भी बनाएंगे तो इसका इफेक्ट बिल्कुल अलग आता है। ये देखिए, तो ये हमारी तीन वाली लाइन पूरी कंटिन्यू बन जाती है। ये देखिए, और ये जो बीच वाला मोती है, इसे हमें पिरो करके ही इसके अंदर लगाना पड़ेगा। ये देखिए, आज हमने ये विभिन्न प्रकार के पैटर्न बनाना सीखा है। ये जो तीन वाला पैटर्न था उसको भी हम ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, तथा चार वाले पैटर्न को भी हम इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। ये लंबाई में भी बढ़ा सकते हैं और चौड़ाई में भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे चौड़ाई में बढ़ाया है। जैसे जो लास्ट वाला मोती है, एक छोड़ करके एक, इस मोती के आगे अगर मैं चार मोती पिरोऊंगी तो ये ऐसा पैटर्न बनेगा। ये देखिए, मैंने सुई में धागा डाल रखा है। ये मेरा कॉर्नर वाला मोती है, इसके आगे मुझे तीन मोती पिरोने हैं। ये देखिए, मैंने तीन मोती पिरोए हैं और इससे मेरा वापस चार मोती वाला पैटर्न बन जाएगा। देखिए देखिए, इस प्रकार से आप ऐसे बीट से वीविंग करके बहुत सारी ज्वेलरी बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।